समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। झांसी जनपद में अमृत महोत्सव आयोजन समिति द्वारा आज लक्ष्मी व्याया मंदिर में सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में आम जनमानस सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख अनिल ओक सम्मिलित हुए। अध्यक्षता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश पांडे की रही। कार्यक्रम का संचालन संयोजक प्रवीण लखेरा एवं वैभव तिवारी ने किया। आभार महानगर आयोजन समिति के अध्यक्ष शरद द्विवेदी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात मैदान में हजारों की संख्या में उपस्थित जनता ने वंदे मातरम का भव्य सामूहिक गायन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह अनिल श्रीवास्तव, विभाग प्रचारक अखंड प्रताप, महानगर प्रचारक अनुराग, सदर विधायक रवि शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, समाज सेवी संदीप सरावगी एवं जनपद के समस्त विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, डॉक्टर्स, समाज सेवी, व्यवसायी एवं स्कूल और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। ये जो झांसी महानगर द्वारा जो भारत सरकार का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है, उसी श्रृंखला के तहत ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के द्वारा जो युवा पीढ़ी है, उनको ये जानकारी और ये ज्ञान पहुंचाना इसका उद्देश्य है कि हमारी भारत की संस्कृति क्या थी, भारत की परंपरा क्या थी, भारत की विचारधारा क्या थी, और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो क्या है, और हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस प्रकार से आंदोलन किए, किस प्रकार से अपना बलिदान किया, क्या संघर्ष किया और भारत को ये आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार से झांसी नहीं, पूरे देश में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है छात्र एवं छात्राओं को। और जैसा कि आज झांसी महानगर में भी 35,000 के लगभग जो है इस आयोजन के द्वारा जुड़े गए हैं, और साथ ही ये जो शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा है, इसमें भी इस प्रकार की जो आज़ादी है, भारतीय नॉलेज सिस्टम में संस्कृति है, इसका समावेश किया जा रहा है। और इसलिए भारत सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। तो ये अच्छे कार्यक्रम हैं, एक छात्रों को एक दिशा मिलती है, हमारी भारतीय संस्कृति, भारत के बारे में नॉलेज मिलती है, और बहुत अच्छा आयोजन हुआ और मुझे आकर यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज का कार्यक्रम, ये स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई उसका ये 75वां वर्ष चल रहा है 2021-22। तो 75वां आज़ादी तो हो गया, अब ये 75वां वर्ष चल रहा है, तो इसको अपने यहाँ हिंदू समाज में अमृत महोत्सव कहा जाता है। 75 वर्ष जब पूरे होते हैं तो ये अमृत महोत्सव जो हम वर्ष मना रहे हैं, इसमें आज युवा पीढ़ी जो है, शायद वो पीढ़ी तो शायद हम में से जा चुकी, तो युवा पीढ़ी को ये जानकारी रहे कि आखिर ये स्वतंत्रता हमें कैसे प्राप्त हुई है। केवल छोटे से किसी सहजता से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें अनेक क्रांतिकारियों ने, अनेक हुतात्माओं ने बलिदान दिए इसके अंदर, ऋषियों ने, मुनियों ने, क्रांतिकारियों ने, तपस्वियों ने, वैज्ञानिकों ने, आध्यात्मिक लोगों ने, और राजाओं ने, पराक्रम, अनेक लोगों ने ये दिए, और उन सबको याद किया जाए तब जाकर ये जो है स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और फिर इसको कैसे बचाना चाहिए, हम स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए, लेकिन अभी भी तंत्र हमारा कुछ कुछ मात्रा में विदेशी चलता है, और इसलिए वो तंत्र भी स्वयं का हो। इसलिए कल जो माननीय अपने प्रधानमंत्री महोदय ने बात कही है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम कौन करने वाला है, तो यहाँ की ये युवा पीढ़ी करने वाली है। इसलिए युवा पीढ़ी को इस बात की अनुभूति होना चाहिए कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए कितने हुतात्माओं ने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है, और बाद में इसको बचा के रखना है हमको, इसके लिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है, करणीय कार्य है, ये इस आज की युवा पीढ़ी को बताना। इसलिए ये वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वंदे मातरम का अर्थ